चलूंगा मैं गाइस। ग्रेनेड पिचूं दिया। ओल्ड ब्रो एक बार चल जाओ। दिस इज मिस्टर खान बैक अगेन विद अ न्यू वीडियो बेबी। सो गाइस राइट नाउ आई एम इन सिटी मॉल जहां पे हम शॉपिंग करने आए हैं बिकॉज़ हमारा नेक्स्ट शूट होने वाला है, तो उसके लिए हमें बहुत सारी शॉपिंग करनी है। अब ये शूट मेरा नहीं होने वाला एक्चुअली, मेरे को अब एक शर्मा का होने वाला है। तो इसको मुझे समझ नहीं आ रहा है कि जो चीज़ इसको बाहर मिल सकते उसको यहाँ पे क्या ढूंढना है। तो गाइस चलो चलते हैं अंदर और देखते हैं, क्योंकि आज हम DIY स्टोर को एक्सप्लोर करने वाले हैं। तो गाइस चलो चलते हैं देखते हैं, बहुत बकचोदी हो गई गाइस। तो गाइस ये वो स्टोर है जिसमें हमें जाना है। ये बोल रहा है ऑलवेज लो प्राइस में सब मिलता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है साले, बहुत लूटते हैं। तो गाइस क्या क्या लेना है फिर अपन को? लिए एक ही चीज लेनी है, ये भी ले ले, ये भी ले ले गाइस। ग्रेनेड ब्लास्ट हो जाएगा पूरा एक बार में, मोली पूरा मोली ब्लास्ट हो जाएगा। क्यूट सा ग्रेनेड। इधर किचन अप्लायंसेस है। मेरी मम्मी को जगह के बारे में पता नहीं चलना चाहिए, वरना पता चले तब वैसे ही मुझे मारेंगी। इसकी मम्मी जिसको रोज मारती है उनको मैं अच्छा वाला तवा दूंगा ताकि इसके सर पे अच्छे से मार सके। ये कटोरे गाइस मुझे समझ नहीं आ रहा, हम एक शूट के लिए शॉपिंग करने आए थे, ये यहाँ पे पलेटे ढूंढ रहा है। शादी कर रहा है क्या भाई? मुझे नहीं बताया, मुझे बिना बताया शादी कर रहा है तू। पहले ये देख एक बार। क्या देखूं? ये देखूं गाइस कैसी लग रही है, क्या करेंगे इसका प्रोडक्ट? इसमें रोटी खाएंगे? प्रोडक्ट रख के मुझे इसमें रोटी खाने की आदत नहीं है, छोटी है, मुझे बड़ी परात चाहिए, मैं हांडी में खाता हूँ। बॉयज आईफिल टावर। मुझको पहचान लो, मैं हूँ कौन? अब इस चलूंगा मैं यहाँ पे। घोड़े की जरूरत, घोड़े घोड़े की जरूरत है बस। अब तो ले लूँ क्या? हाउ मच इज प्राइस? प्राइस कितनी है इसकी? आई थिंक इट इज फेयर प्राइस ब्रो। बट इसको सिर्फ हम घोड़े पे पहन सकते हैं, वो भी जब हम शूट करा रहे हो शादी वाले मामले में, घोड़े पे ही पहन के जाएंगे तो डाकू लगेंगे गाइस। गाइस मिरर गाइस। तो दिस इज ऑल अबाउट, ये सब बैग भी है रीजनेबल प्राइस में बैग है। ये देखो कांच, इसमें मेरी शक्ल भी नहीं आने वाली, फिर भी ये कितने रुपए का मिल रहा है? 159 का, जिसमें मेरी शक्ल भी नहीं आएगी, इसमें भी मेरी शक्ल नहीं आएगी। हाँ मिरर तो मैंने इसको गिफ्ट कर रखा है, फिर भी इसको मिरर चाहिए। क्यों? मिरर में देखने लायक शक्ल भी तो होनी चाहिए। फिर यहाँ पे आ जाती कार एक्सेसरीज, ये कांच पे लगाने की एक्सेसरीज, इसको तुम लगा सकते हो ताकि अंदर का बाहर ना दिखे। यू नो व्हाट आई वांट टू से? यस ये समझ गया। ये क्या है? कारपेट चटाई। और ये हवा भरने का साइकिल में, ये छोटा वाला भी है, छोटा भी है, बड़ा भी है। और अब हम जाते हैं हमारे मैकेनिकल सेक्शन में। ये क्या है? ये खोदने के है, अगर तुम्हें गार्डनिंग का शौक है ये भी खोदने का है। ये मेटल का बना हुआ है, वो अलग बात है, हम तो लकड़ी से ही खोद डालते हैं। ये सब क्या है? ये पाइप, इससे बहुत ज़्यादा सुताई होती है। और बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पर। वक्त ख़राब है लेकिन वक्त दिखाने के लिए घड़ियाँ काफ़ी सुंदर सुंदर हैं। मतलब वक्त खराब है लेकिन दिखाने के लिए अच्छी अच्छी घड़ियाँ हैं। ये क्या है? मेरा बाथरूम भी इतना बढ़िया नहीं है कि मैं ये सब लेके जा सकूं। मुझे ग्लव्स चाहिए, बट बाद में जान दो। इससे मैं मेरे दोस्त का गला काटना चाहूँगा, अनुराग बच के रहियो। ये सारी चीज़ें मेरे भाई के काम की है, मेरे काम की नहीं है। इस बाल्टी में अभी तुझे मैं पैक कर दूंगा। कहाँ चलें? घर चलें गाइस। बस हो गया तुम्हारी शॉपिंग? तुम तो कुछ लेने आए थे ना गाइस? गाइस तुम तो कुछ लेने आए थे गाइस? ये ऐसा बंदा है, मतलब मुझे ले अंदर ले आया, मैं सोच रहा था मैंने कुछ लेगा, ये कुछ लिया नहीं, उठाया इनने पहले तो पूरा उसमें घूमा फिर वापस रख दिया। शर्म ना आ रही तुझे? ओ ये ले लो गाइस, क्यों नहीं है गाइस। अरे अपने दोस्त को श्रद्धांजलि देने के लिए बहुत अच्छे अच्छे फ्लावर्स हैं यहाँ पे, जो कभी तुम्हारे प्यार की तरह कभी भी मुरझाएंगे नहीं। ये वाला थोड़ा ठीक लग रहा है। हाँ ये मैं तेरे सर पे फेंक के मारूंगा। 129 का मारूंगा, बहुत महंगा है। नहीं मारूं तेरे सर पे, इतना महंगा क्यों मारूंगा? मैं आराम से भाटा ही मार सकता हूँ। अबे क्या है, तो बोतल का है। पिचूं दिया। इसी वजह से मुझे मॉल में बैन कर रखा है आने से, क्योंकि मैं इस तरह की हरकतें करता हूँ, इसलिए मेरे दोस्त मुझे कभी नहीं लेके जाते अपने साथ।
ऐसा कुछ नहीं है, मेरे सारे दोस्त मुझे लेके जाते साथ। मर्डर वाला का है कोई? मर्डर वाला ये देखो गाइस, चांदी का चाकू, इससे इंसान खुशी से मर जाता है। ये देखो गाइस, इंसान को बिल्कुल भी दर्द नहीं होगा, अब सीधा खट करेंगे हम, उसका सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो गाइस फाइनली हमारी शॉपिंग हो चुकी है, ये यहाँ से हम क्या लेके आए दिखाओ दिखाओ दिखाओ। ये देखो गाइस, अब ये शॉपिंग कर रहे थे यहाँ पे जो हमें जंगल में मिल सकते हैं, अबे भैया हमें ये शॉपिंग कराने लेके आए हैं, यहाँ पे पब्लिक हमें देख रही है। अरे लेकिन ऐसे ऐसे लोग करता हूँ ना, मुझे ऐसे ऐसा नहीं है गाइस। देखो 200 रुपए दिए मेरे दोस्त ने, मजे गिफ्ट के 200 रुपए दिए गाइस, 80 रुपए अभी बाकी है गाइस उधार है तेरे पे। उधार उधार क्या, कुछ चाय ना पीने का भी नहीं है यार, अभी सर्दी अलग लग रही है बाहर गाइस, वरना मैं इसके आराम से पैसे खर्च करवा सकता था। और तुम ये देख सकते हो दिवाली की लाइटिंग अभी तक इन्होंने हटाई नहीं है, मुझे लगता है ये क्रिसमस तक यही लाइटिंग रखेंगे और इसी से काम चला लेंगे गरीब लोग। ये लाइट बहुत अच्छी लग रही है गाइस, एक लट्टू फ्यूज हो चुका है, इसका मतलब ये लोग इसको सस्ते में लेके आए थे गरीब लोग। गाइस तुम देख रहे हो मेरा दोस्त कितना ज्यादा गरीब लोग हरकत कर रहा है, थोड़ा सा एक बार घूम के आ जाते हैं। ये है ट्रेंड फुटवेयर, और ये क्या है गाइज, ये है स्पाइकर। यहाँ पर मेरे दोस्त की जाने की औकात नहीं है, बट गाइज एक दिन आएगा कि हम यहाँ पे जाने की औकात बनाएंगे। अरे लोगों को चीख चीख के मत बता, लोगों को लगना चाहिए अपन गरीब हैं, गरीब हैं हम लोग, बहुत गरीब हैं, बहुत गरीब है। ठीक है गाइज, मैं ये भी खरीद सकता हूँ, पैसे में अंधा हो गया हूँ। और बताए ये वाली जैकेट तो तुम्हें पता है मेरे पास घर पे रखी हुई है, ऐसे छोटी मोटी चीजों के मैं शौक नहीं है मुझे। ये जितने ये जो सामने जो तुम स्टोर देख रहे हो, यहाँ पे सारे ब्रांडेड शूज मिलते हैं क्या अंदर? नहीं कटोरा। कटोरा गाइज यहाँ पे कटोरा नहीं मिलेगा, यहाँ पे तो कुछ और ही मिलेंगे, ये कुछ शो थोड़ी है गिफ्ट शॉप। तुम गाइस देख सकते हो यहाँ पे इन्होंने बोल रखा है कि 2000 रुपए के परचेज पे तुम्हें क्या, ये क्या है ऑफ 10,000। अच्छा अगर तुम 11,000 रुपए की शॉपिंग करते हो तुम्हें 2000 ऑफ मिलेंगे, ये गाइस इसका मतलब वो चीज ही 9,000 की है, और अगर तुम 7,000 की शॉपिंग करोगे तो तुम्हें 1,000 का ऑफ मिलेगा। लेकिन उसमें है क्या गाइस, लुटना तो हमें ही है। ये देख सकते हो गाइस, तुम ये सामने बॉडीगार्ड खड़ा है, सॉरी ये तो डमी है। लेट्स गो बाहर चलते हैं। ये देखो गाइस, हम इतने ज्यादा गरीब है कि हमने कभी एस्केलेटर पर सफर नहीं किया है, तो हमें हमारी बहुत ज्यादा पड़ती है, इसलिए हम सीढ़ियों से उतर रहे हैं, इतने गरीब हैं हम। और तुम लोग वीडियो को लाइक नहीं कर रहे हो, सब्सक्राइब नहीं करते, मेरे पास पैसा नहीं आ रहा है। फेवरेट गोकू और क्रिश भी है, ये तो स्टूडियो का बिजनेस है, क्रिश नहीं है, सॉरी क्रिश नहीं है, ये भी कुछ और ही एनिमे कैरेक्टर है भाई, क्रिश बोल रहा हूँ। गाइस तुम यहाँ पर आइसक्रीम और वो पानी पताशे खा सकते हो। तो गाइस चलो बाहर चलते हैं, इससे पहले कि मॉल वाले खुद हमें लात मार के बाहर निकाल दें, हम खुद निकल जाते हैं, ये मॉल हमें क्या लात मारेगा, हम इसको लात मारते हैं, बाय बाय। तो गाइस ये है एग्जिट, यहाँ से तुम्हें दफा होना है और यहाँ से हमें भी दफा होना है, चलो। और तुम देख सकते हो अभी तक इन्होंने दिवाली की लाइट नहीं हटाई है, बहुत ज्यादा आलसी हो चुके हैं मॉल वाले। और आज संडे है क्या, संडे ना आज, तो ये पार्किंग वाले 20 रुपए मांगते हैं गाइस, ये भी अपनी औकात दिखा देते हैं, रोज और दिन 15 और 10 रुपए लेते हैं, आज साले 20 रुपए लेते हैं गाइस। हमें भी हमारी गाड़ी नहीं मिल रही है, कहाँ रही है आप, इन्हें गाड़ी पहचान ली है। चलो ये हमारे कोहली भाई साहब भाग के कहाँ जा रहे हैं। तो गाइस इस वीडियो के लिए इतना ही, आई होप यू लाइक दिस वीडियो, इफ यू डिड मेक श्योर टू सब्सक्राइब माई चैनल, सी इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन स्टे ऑसम बेबी एंड सब्सक्राइब करके जाना, चाहे जो करना है करो, भले डूब जाओ मर जाओ, और अगर नहीं किया सब्सक्राइब तो मैं तुम्हें वहीं आके शूट कर दूंगा, तो जल्दी सब्सक्राइब करो।